सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा अर्थ जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है और हमारी अर्थ के दैट इज मेड ऑफ क्रस्ट मेंटल एंड कोर दैट यू योर सेल्फ नो कि जो हमारा अर्थ है जहां हम रहते हैं फिलहाल ठीक है जो हमारी जमीन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है जैसे ये आपकी अर्थ हो गई तो क्रस्ट मेंटल एंड कोर जहां पर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं हम क्रस्ट ओके मिडल लेयर को वो हम बोलते हैं मेंटल वो वाला मेंटल नहीं इट एंड -E जो बिल्कुल नीचे वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं कोर तो क्रस्ट में से आपके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं सबसे पहली चीज तो ये पूछा जा सकता है आपसे विच इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ तो यू विल आंसर द क्रस्ट एक क्वेश्चन है इसमें व्हाट इज द अपर लेयर ऑफ क्रस्ट कॉल्ड दैट इज सियाल एंड फुल फॉर्म ऑफ सीमा पूछा जा सकता है एस आई एम ए दैट इज सिलिकेट मैग्नीशियम तो क्रस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा द आउटर मोस्ट एंड थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ सर्फेस जो होती है वो होती है आपकी क्रस्ट ठीक है ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है आपकी ये सबसे थिनेस्ट और सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है इसकी जो डेप्थ होती है वो एट से लेकर 40 किलोमीटर तक हो सकती है इतनी इसकी डेप्थ हो सकती है ठीक है 8 टू 40 अब ये डेप्थ भी अलग-अलग जगह पे वैरी कर सकती है फॉर एग्जांपल कि जो ओशियन बेड्स हैं वहां पर ये बहुत पतली होती है मतलब जो ओशियन से आपको है आपको पता है वहां धरती बहुत कम होती है और पानी ज्यादा होता है तो जो नीचे का क्रस्ट है वो 5 किलोमीटर तक इतना ही जो है वो एरिया लिए होता है इतनी ही डेप्थ होगी उसकी जो ओशंस में है और जहां पर माउंटेन्स हैं, वहां आपको पता है कितने ज्यादा ऊपर तक जो होते हैं माउंटेन्स होते हैं आपके तो क्रस्ट जो है वहां पर वेरी कर सकता है माउंटेन एरिया में 70 किलोमीटर तक ठीक है 70 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ हो सकती है और ऊपर हाइट से नापेंगे तो अब देखिए क्रस्ट की भी दो लेयर्स होती हैं, ठीक है दो लेयर्स होती हैं क्रस्ट की एक तो अपर क्रस्ट होती है तो जो अपर लेयर होती है ये आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज दी अपर लेयर ऑफ क्रस्ट कॉल्ड दो अपर लेयर होती है वो बनी होती है आपकी सियाल उसको बोलते हैं सियाल एस आई ए एल एंड दिस इज दाइटर्स या फिर लाइटर लेयर जो कि सियाल का मतलब क्या होता है ये बनी होती है आपकी सिलिकेट प्लस एल्यूमिनियम से ओके okay. अब जो दूसरी लेयर होती है इसी क्रस्ट में जो दूसरी लेयर होती है आपकी वो है आपकी सीमा ठीक है और ये लेस डेंसर लेयर है और सीमा की जो फुल फॉर्म है ये है आपकी हमने ऊपर डिस्कस किया था सिलिकेट मैग्नीशियम ठीक है बेसिकली सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है इसकी डेंसिटी कम होती है तो जब ओवरऑल एवरेज होती है इस क्रस्ट की ओवरऑल एवरेज डेंसिटी होती है इस क्रस्ट की वो थ्री ग्राम पर सीसी होती है ओके तो जितने भी क्रस्ट के क्वेश्चन बन सकते थे वो यही सब है तो आगे चलते हैं मेंटल के बारे में डिस्कस करते हैं लेयर so जो हमने डिस्कस करी दैट इज मेंटल ठीक है ऊपर हमने क्रस्ट के बारे में डिस्कस कर लिया था जिसकी कितना डेप्थ थी 8 टू 40 किलोमीटर तक ये जो है थिक हो सकती है 8 टू 40 जहां पर अगर ओशंस है आपके तो 5 किलोमीटर तक बस कम होगी और जहां पर आपके माउंटेन्स है वहां 70 किलोमीटर तक इसकी डेप्थ और हाइट हो सकती है चलिए मेंटल जो है आपकी ये सेकेंड लेयर होती है ठीक है क्रस्ट के बाद आता है आपका मेंटल अब यहाँ से आपके क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं पहले ये डिस्कस करते हैं तो सेपरेशन जो होती है इस क्रस्ट की और मेंटल की इस सेपरेशन को क्या बोलते हैं देखिए ये जो सेपरेशन है जो चीज आपकी क्रस्ट और मेंटल को सेपरेट करती है होती यहाँ पे आपकी अर्थ ही है तो जो सेपरेशन सेपरेशन लाइन है इसको क्या बोलते हो आप मोहवरिक डिस्कंटिन्यूटी ओके okay? मोहवरिक डिस्कंटिन्यूटी सेकेंड क्वेश्चन दैट कैन इज अपर 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 मेंटल मेंटल इज नोन एज जो upper है आपका उसको आप और भी क्या बोलते हो तो वो बोलते हैं हम एस्थेनोस्फियर इसको हम एस्थेनोस्फियर भी बोलते हैं ठीक है अब मेंटल के कितनी लेयर्स हैं ये है आपकी टू जिस तरीके से हमने क्रस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था अपर और लोअर इसी तरीके से जो आपकी मेंटल है ये भी आपकी अपर और लोअर में डिवाइड होगी तो चलिए टू पार्ट्स में कैसे डिवाइड है और देखते हैं कि इसकी डेप्थ कितनी होती है देखिए मेंटल की जो डेप्थ है ये आपकी 2900 किलोमीटर तक होती है मतलब ऊपर की हमने देख ली कि 70 किलोमीटर तक है आपकी हो सकती है तो 8 टू 40 आपकी डेप्थ है देन फोर्टी के बाद तक टू किलोमीटर तक ये जो है आपकी मेंटल लेयर होती है ओके okay? जो मेंटल है आपकी अपर मेंटल को हम बोलते हैं एस्थेनोस्फियर जो कि 500 किलोमीटर तक होता है देखिए, ये आपकी मेंटल है ठीक है फोर्टी तक आप आ गए यहां से यहां तक ये अपर मेंटल है और इसको हम एस्थेनोस्फियर भी बोलते हैं और ये आपका एक्सटेंड करता है 500 किलोमीटर तक 500 किलोमीटर तक ये हो गया और ऊपर पूरा जो है आपका 2900 किलोमीटर तक आपका मेंटल होता है और जो लोअर मेंटल है ठीक है एस्थेनोस्फीयर जो है आपका किस फॉर्म में आपका एग्जिस्ट करता है आपसे ये भी पूछा जा सकता है तो जो ये एस्थेनोस्फीयर है अपर मेंटल ये सेमी मोल्टन प्लास्टिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है सेमी मोल्टन प्लास्टिक फॉर्म ठीक है तो ये क्या करता है अगर देखिए सेमी मोल्टन प्लास्टिक फॉर्म में है ये तो देखिए अपर जो है ये अपर मेंटल है सेमी मोल्टन प्लास्टिक लेयर में ये करती है। अगर अपर वेंटल तो ये क्या करती है जो ऊपर की लेयर है आपके लिथोस्फियर क्रस्ट है आपका उसको एनेबल करती है कि इससे मूव कर सके ठीक है हमारी धरती भी हिलती है आपको पता है उसकी मोवमेंट के लिए ये सेमी मोल्टन प्लास्टिक स्टेट में होता है अब आपका क्या है और जो विलोसिटी होती है होती है आपके सेस्मिक वेव्स की आपको पता होगा ये यहाँ पर रिड्यूस हो जाती है ठीक है इसको हम जीरो विलोसिटी जोन भी बोलते हैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच लेयर इज नोन एज जीरो विलोसिटी जोन जीरो जीरो जोन जोन तो है आपका फियर ठीक है एसथेनोस्फियर हो गया आपका जीरो विलोसिटी जोन मतलब कि यहाँ पर जो आपका जब अर्थ को एक आता है और लेयर्स जो उसकी वेव्स होती है तो यहां पर सबसे कम विलोसिटी होती है यहां पर इस धरती में इस इस पार्ट में सबसे कम जो है उसके मोमेंट देखने को मिलती है बाकी हमने सेपरेशन लाइन आपकी डिस्कस कर ली है मेंटल और क्रस्ट की सेपरेशन लाइन को बोलते हैं मोहवरेक डिस्कंटिनुइटी तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कोर और मेंटल में ये लगा देते हैं तो कोर और मेंटल की नहीं है ये क्रस्ट और मेंटल की है चलिए नेक्स्ट उस पे चलते हैं नेक्स्ट है आपका कोर ठीक है अब कोर जो है हमने यहाँ पर क्या किया था सबसे पहले क्रस्ट डिस्कस कर लिया था फिर यहाँ पर मोहवरिक डिस्कटिन्यूटी थी देन मेंटल मेंटल के बाद मेंटल की जो डेप्थ थी वो कहां तक थी टू नाइन डबल जीरो किलोमीटर तक अब टू नाइन जीरो जीरो किलोमीटर से नीचे जितना भी होगा वो होगा आपका कोर अब जैसे कि हमने मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड किया था अपर लोअर क्रस्ट को भी दो में डिवाइड किया था अब मेंटल जो कोर है आपका ये भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है अपर और लोअर जो अपर कोर है आपका इसकी जो डेप्थ है ये टू 21, वन टू वन डबल जीरो किलोमीटर थिक होती है ये ठीक है अब डेप्थ देख लीजिए आप टू नाइन जीरो जीरो में टू वन डबल जीरो एड कर लीजिए ये इसकी यहाँ तक ये होगा आपका कोर ठीक है अब जो इसकी डेप्थ है ये है आपकी टू वन डबल जीरो किलोमीटर थिक ठीक, ठीक है और ये जो अपर मेंटल अपर कोर है आपका देखिए अब जो अब कोर में हम डिस्कस करते हैं कि मोल्टन स्टेट में मिलता है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपका जो मोल्टन स्टेट में मिलेगा आपको वो सिर्फ अपर कोर में मिलेगा और नीचे के लोअर कोर में आपको सॉलिड स्टेट में चीजें मिलती हैं ठीक है अपर कोर है आपका मोल्टन स्टेट में क्योंकि जो एक्सेसिव हीट यहाँ पर होती है इस वजह से यहाँ पर जितनी भी चीजें होती हैं वो होती हैं आपकी मोल्टन स्टेट में ये हो गया अपर कोर ठीक है अब बात कर लेते हैं इनर कोर की नीचे इसकी आती है हमारा इनर कोर और इनर कोर जो है आपका इसकी थिकनेस है वन थ्री सेवन जीरो किलोमीटर इसकी थिकनेस है इनर कोर की अब जो इनर कोर में आपका जो भी मेटीरियल पाया जाता है दैट इज इन प्लास्टिक फॉर्म और क्यू यहाँ पर सब कुछ प्लास्टिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है मतलब धरती के बिल्कुल नीचे जब आप जाएंगे बिल्कुल नीचे वहां पर ऊपर वाले कोर में आपको मोल्टन स्टेट में मिलेगा लेकिन बिल्कुल नीचे जब आप चले जाएंगे वहां आपको प्लास्टिक फॉर्म में मिलेगा वो इस वजह से क्योंकि प्रेशर जितना भी लगता है वहां पर बिकॉज ऑफ प्रेशर बिकॉज ऑफ हीट ये सारे कंबाइंड फैक्टर्स जब हो जाते हैं तो वो उसको प्लास्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और ये बना किस चीज की होती है ये लेयर बनी होती है आपकी ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिल्कुल लोअर इनर ये इन दो मेटल से बना होता है आयरन एंड निकल जो कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये नाइफ जो है ये अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन से दो मेटल्स हैं ऐसे कोर में जो अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो ये हैं आपके आयरन एंड निकल चलिए टेम्परेचर देख लेते हैं इस इनर कोर का अर्थ के कोर का टेम्परेचर है आपका वे वेरी करता है टू टू जीरो जीरो डिग्री सेल्सियस से टू सेवन फाइव जीरो डिग्री सेल्सियस ठीक है अब बात आती है लाइन ऑफ सेपरेशन की हमने यहां पर देख लिया था मोहवर डिस्कॉन्टिन्यूटी है अब मेंटल और कोर को जो लाइन सेपरेट करती है जो चीज सेपरेट करती है उसको बोलते हैं हम गुटेनबर्ग विचर्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी ठीक है गुटेनबर्ग विचर्ड डिस्कॉन्टिन्यूटी और हमारे यहाँ से क्वेश्चन ये आ गया अर्थ कोर इज मेड अप ऑफ विच टू मेटल दीज आर आयरन एंड निकल जो है बिल्कुल नीचे का कोर जो बना होता है चलिए आगे चलते हैं अब बात कर लेते हैं हम कुछ टेम्परेचर इन साइड अर्थ अब आपको भी पता है जैसे जैसे हम नीचे जाते जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता जाता है ठीक है जैसे आप ही आप खुदाई करते रहोगे ना और नीचे पहुंचोगे तो आप देखेंगे आपको गर्मी महसूस होने लग जाती है और ये देखिए जब भी आप उसमें जाते हैं किसी भी टनल में जाते हैं अंडरग्राउंड जाते हैं तो आपने ऑटोमेटिकली देखा होगा आपको गर्मी लगती है वो किस वजह से लगती है वो इसलिए क्योंकि जब हम नीचे जाते जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाता है ठीक है अब वो किस तरीके से बढ़ता है वो देख लेते हैं हंड्रेड किलोमीटर तक जो है टेम्परेचर बारह डिग्री ट्वेल्व डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करता है ठीक है कैसे जैसे कि पर किलोमीटर जैसे वन किलोमीटर यहां हुआ तो प्लस ट्वेल्व जितना अभी टेम्परेचर है प्लस ट्वेल्व हो गया फिर हम एक किलोमीटर नीचे आए फिर प्लस ट्वेल्व हो गया फिर एक किलोमीटर नीचे आए फिर प्लस ट्वेल्व हो गया ठीक है इसी तरीके से सौ किलोमीटर तक हम जब हम नीचे जाएंगे तो प्लस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इंक्रीज करता जाएगा पर किलोमीटर फिर आगे क्या होगा सौ किलोमीटर तक हमने देख लिया है अब नीचे उसके भी नीचे हम जाएंगे जब थ्री हंड्रेड किलोमीटर तक मतलब यहाँ पर 100 किलोमीटर तक गए अब यहाँ पर 300 किलोमीटर जब हम जाएंगे इस 300 किलोमीटर में जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री का इंक्रीज करेगा पर किलोमीटर मतलब जब 100 किलोमीटर से हमने पहुंच गए अब उसके नीचे जब हम एक किलोमीटर जाएंगे तो प्लस टू उसके नीचे एक किलोमीटर तक जाएंगे प्लस टू इसी तरीके से उस उन 300 किलोमीटर में हमारा प्लस टू प्लस टू इंक्रीज करता रहेगा ठीक है अब जब 500 तीन 400 किलोमीटर हमारे हो गए हैं चार सौ किलोमीटर के बाद जो है हमारा जो टेम्परेचर है वो वन डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करेगा पर किलोमीटर ठीक है यहां से कोई भी क्वेश्चन आएगा आई होप आप बना लेंगे चलिए नेक्स्ट उसमें चलते हैं और देखते हैं और क्या है हमारे अर्थ में आपको पता है जो हमारी अर्थ है दैट इज कंपोज्ड ऑफ हंड्रेड एलिमेंट्स हमारी अर्थ सौ एलिमेंट्स से बनी हुई है ठीक है अब ये जो एलिमेंट्स हैं इसमें बहुत कम भी होते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में भी होते हैं लेकिन जो हम एलिमेंट कंसिडर करते हैं वो करते हैं जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है आपके ये एट एलिमेंट्स हैं दैट इज सिलिकन एल्यूमिनियम आयरन कैल्शियम सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम वैसे ये पूछा नहीं जाता फिर भी आपको पता होना चाहिए कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे ज्यादा एबंडेंट एलिमेंट एबंडेंट एलिमेंट आपका अर्थ में कौन सा है तो दैट इज ऑक्सीजन ठीक है आपको ऑक्सीजन मार्क करके आना है एंड दिस इज फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव परसेंट देन उसके बाद है आपका सिलिकॉन ऑक्सीजन के बाद आपका मोस्ट अबेंडेंट है सिलिकॉन एंड देन केम देन कम्स एल्यूमिनियम देन आयरन देन कैल्सियम देन सोडियम पोटेशियम एंड मैग्नीशियम तो ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन है आपका ट्वेंटी सेवन पॉइंट सेवन टू परसेंट एलुमिनियम इज एटेंट आय सोल्ट एन ए जिसन पोटेशियम इज टू पॉइंट सिक्स टू एंड मैग्नीशियम टू पॉइंट जीरो नाइन ये आपके इम्पोर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम कंसिडर करते हैं अपने उसमें ओके आई होप अगर आपने कहीं लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं टेबल में से बाकी फिर आगे डिस्कस करते हैं लिथोस्फियर क्या है आपका मुझे ये बताओ आपने जो क्रस्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था तो जो टॉप मोस्ट क्रस्ट होता है आपका टॉप मोस्ट क्रस्ट को ही हम लिथोस्फियर कहते हैं ठीक है इट इज द टॉप मोस्ट क्रस्ट अब इसकी जो थिकनेस है ये कितनी हो सकती है थर्टी फाइव से फिफ्टी किलोमीटर तक इसकी थिकनेस होती है ठीक है और कॉन्टिनेंट्स में है ये लेकिन ओशियन बेड्स ये आपका कॉन्टिनेंट्स में है ठीक है इसकी थिकनेस ओशियन बेड्स में जो लेथोस्फियर की थिकनेस है ये होती है आपकी सिक्स टू ट्वेल्व किलोमीटर इन ओशियन बेड्स ओके यहां से कोई क्वेश्चन आएगा तो आई होप यहाँ से भी आप बना लेंगे चलिए अब हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि हमारी लेयर्स कितनी होती हैं तीन लेयर्स होती हैं है मेंटल कोर उसके बारे में डिस्कस कर लिया अब हमने ये भी देखा है कि हमारे अर्थ पे बहुत सारे पत्थर भी पड़े होते हैं तो पत्थरों के बारे में अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होते हैं वो और कहाँ से बने हैं ये पत्थर चलिए रॉक्स होते क्या है आपके रॉक रॉक इज ए नेचुरली और एग्रीगेट ऑफ पत्थर होते हैं ये एग्रीगेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल की वजह से जो भी सॉलिड मटीरियल आपका वो इकट्ठा होके जमा जम के एक्यूमुलेट होके हो आपके रॉक्स की फॉर्मेशन करता है या फिर जो मिनरल्स पाए जाते हैं सी में मिनरल्स होते हैं आपको पता है उसकी अक्यूमुलेशन से आपके जो है ये रॉक्स बनते हैं ओके okay? ठीक है एक्यूमुलेशन होती रही होती रही अब ये रॉक्स बन गए लेकिन हम इसको कैटेगराइज कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन सा रॉक कौन सा है तो हम उसको डिफरेंशियट करेंगे जो जिस मिनरल से ये बना है

क्रस्ट ठीक है क्रस्ट के ऊपर आपके बड़े बड़े पत्थर पाए जाते हैं ये आपको भी पता है, को वो करते हैं, बनाते हैं। ठीक है? आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इन तीनों के बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपके फॉर्म हो सकते हैं यहाँ से चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि इग्नियस रॉक्स के बारे में इग्नियस रॉक्स कैसे बने होते हैं इग्नियस रॉक्स फॉर्म होते हैं आपके When magma cools in the earth crust or lava cools on the ground surface or the sea bed देखिए magma क्या होता है आई होप सबको पता होगा लेकिन फिर भी हम डिस्कस करते हैं आपने देखा होगा वॉलकैनोज होते हैं ठीक है माउंटेन्स पे या सी बेड्स पे ये वॉलकैनोज होते हैं अब यहां से क्या होता है आपका गर्म मटेरियल, एक मैग्मा निकलता है ना मैग्मा निकल के बाहर आता है सारा का सारा इस होल को आप क्या बोलते हो ये पूरी की पूरी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं वॉल कैनो आगे बढ़ेंगे हम इस होल को बोलते हैं हम क्रेटर और यहां से जो चीज लिक्विड फॉर्म में निकलती है बाहर और यहाँ पर जमा हो जाती है इसको हम बोलते हैं मैग्मा ठीक है अब क्या होता है यहां पर एक वॉलकैनो हुआ बाहर निकला सारा मटेरियल ये यह यहाँ पर हो गया सॉलिडिफाई अब यहाँ पर सॉलिडिफाई होके ये बना देगा आपके इग्नियस रॉक ठीक है इग्नियस रॉक्स यहाँ पर आपके बन जाएंगे या लावा कूल डाउन हुआ इग्नियस रॉक्स बन गए कई बार क्या होता है ये अंदर ही अंदर फटने की बजाय यहाँ पर ही सॉलिडिफाई हो जाता है और यहाँ पर अर्थ क्रस्ट में ठीक है अर्थ के क्रस्ट में सॉलिडिफाई हो जाता है और यहाँ पर भी आपके रॉक्स बन जाते हैं अदरवाइज आपने क्या देखा होगा सी बेड्स जो होते हैं आपके ओशियंस होते हैं सी बेड्स होते हैं वहां पर भी आपने देखा है ज्वालामुखी एकदम से फटता है ठीक है सी में ओशियंस में फटता है ज्वालामुखी तो अब जो पानी होता है यहाँ पर ठीक है पानी होता है ये सारा जो मेल्टन मोल्टन आपका पानी में और जो नीचे धरती होती है सी बेड होता है वहां जाके ये पूरा का पूरा मैग्मा जो है जम जाता है यहां से भी आपको मिलते हैं इग्नियस रॉक्स ओके तो आई होप ये आपको पता चल गया होगा कहां से आपको इग्नियस रॉक्स मिलते हैं और कैसे कैसे बनते हैं अब देखिए अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए व्हिच रॉक्स आर दी मोस्ट अबंडेंट अमंग द थ्री रॉक्स ये हैं आपके इग्नियस रॉक्स ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और ये 95% होते हैं आपके जितने भी रॉक्स आपके पाए जाते हैं इसमें से 95% आपके इग्नियस रॉक्स होते हैं अब इग्नियस रॉक्स जो आपके बने होते हैं इसमें फॉसिल्स नहीं होते फॉसिल्स क्या होता है डेड एंड डीकेड जो आपका आ,

एयर का प्रेशर भी यहाँ पड़ेगा बहुत सारी इरोजन भी होगी विदरिंग भी होगी यहाँ से जो पत्थर है कहीं गिर के कहीं और भी चले जाएंगे ठीक है अब ये ये तो है नहीं यहीं पर जमा रहेगा अब बारिश बहुत तेज आई तूफान आ गया या फिर लैंडस्लाइड हो गया या कुछ भी हो गया पत्थर टूट गया यहाँ से खुद ही तो यहाँ से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये क्या होगा नीचे गिरेंगे ठीक है या फिर टूटेंगे उनके ऊपर वाटर भी काम करेगा उनके ऊपर हवा भी काम करेगी उनके ऊपर प्रेशर भी काम करेगा हीट भी उनके ऊपर जो हमारी सनलाइट होती है वो वाली हीट भी उसके ऊपर काम करेगी तो अंडर ये रॉक्स जो एटमोस्फेरिकेशन uh, होगा इनका सरफेस के ऊपर और क्या होगा कि ये वेदरिंग हो जाएगी इन रॉक्स की ठीक है अब इस वजह से ये यहाँ पर बनेंगे सेडिमेंटरी रॉक्स अब जो वेदर्ड ये हो जाएंगे इरोजन की वजह से जहां पर भी इकट्ठा होंगे अब ये तो है नहीं कि इकट्ठा हो गए अब जहां पर भी मान लो यहाँ पर बनाता यहाँ पर ये आए आपके रॉक्स नीचे ठीक है एक प्लेन पे यहाँ पर ये छोटे-छोटे रॉक्स आपके इकट्ठे हो गए अब क्या होता है यहाँ पर ये आपका अर्थ सरफेस है कुछ यहाँ पर पशु पक्षी भी मरे होंगे है ना ऐसा तो है नहीं पशु पक्षी नहीं मरे होंगे अब जब हर चीज खींचते हुए ले जा रहे हैं इसको पशु पक्षी के अवशेष भी इसमें मिलेंगे फॉसिल्स भी इसमें मिलेंगे और इस तरीके से जब ये सब चीजें मिक्स हो जाएंगी कुछ मिनरल्स भी इनपे मिलेंगे अब क्या होगा जब इनपे हीट प्रेशर एयर ये सब एक्ट करेगा तो इकट्ठा मिलके ये सॉलिडिफाई हो जाएंगे सॉलिडिफाई होने के बाद में यहाँ पर सेडिमेंट्स बना देंगे और उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स ठीक है क्योंकि ये एक सेडिमेंट्स के ओर बनते हैं हम आगे बढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है होगा हमने पढ़ लिया एंड केमिकल प्रसिपिटेशन और ऑर्गेनिक ग्रोथ इन वाटर अब आपने वाटर में भी देखा होगा पानी में भी देखा होगा देखिए देखिये मिनरल्स के उसमें वो बन जाते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं एक जगह पे वहां से भी हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स जो है बनते हैं अब ओशियन बेड्स में आपने क्या देखा आ, लावा निकला ये आपके यहाँ पर इकट्ठा हो गया ओशियन बेड्स में अब ये जो है पानी के कारण कुछ रॉक्स जो है इरोजन पानी के अंदर ही बह जाएंगे यहाँ पानी के अंदर ही छोटे छोटे फॉर्म्स में हो जाएंगे आप पानी के अंदर भी जीव जंतु हैं आपके मछलियां हैं कितने सारे नीचे वाटर के अलग ही दुनिया वो भी मरेंगे एनिमल्स भी मरेंगे जो सी एनिमल्स होते हैं अब उनके भी अवशेष इसमें मिलेंगे प्लस जब ये वेदरिंग इनकी होती रहेगी रोड होते रहेंगे इकट्ठे होते रहेंगे, तो एक एक हो जाएंगे और जब एक जगह इकट्ठे होके ये आपके बना देंगे सेडिमेंट्री रॉक्स ओके आई होप आपको समझ आ गया होगा दिस प्रोसेस कॉजेस प्लास्टिक सेडिमेंट्स पीसेस ऑफ रॉक्स और ऑर्गेनिक पार्टिकल्स टू सेटल एंड एक्यूमुलेट सोल्यूशन देखिए जो आपके अब देखिए मैंने आपको बताया था ये इकट्ठा हो गया मिनरल्स भी पैक करे आप जो मिनरल्स होंगे वो पानी में इवेपोरेट कर जाएंगे ठीक है और बाकी जो बचेगा वो आपका बचेगा आपका रॉक दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स तो ये था आपका ओशियन बेड में और ये आपका बन गया अर्थ सर्फेस में सेडिमेंट्री रॉक्स तो दो जगह आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बनते हैं तो अर्थ सर्फेस और एक आपके पानी में बन जाते हैं ठीक है अब बनते कैसे हैं ये इग्नियस रॉक्स की वजह से ही। जब इग्नियस रॉक्स में आपके सेडिमेंट्स मिल आ, 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 आपके ये मिल जाते हैं फॉसिल्स वगैरह तो उसी के केमिकल रिएक्शन हो हो के, हो, के एक जगह एक्मलेट होके ये बना देते हैं आपके सेडिमेंट्री रॉक्स चलिए अब वो हमने क्या किया था इग्नियस रॉक्स तो 95 परसेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट को नाइनटी परसेंट आपका बनाते हैं रॉक्स को ठीक है मतलब जितने भी आपके रॉक्स पाए जाते हैं उसमें से 95 परसेंट इग्नियस होते हैं लेकिन जो आपका सेडिमेंट्री है ये कितना क्रस्ट कितना जो वॉल्यूम एक्वायर करता है अर्थ का दैट दिस इज सेवन वॉल्यूम ये अर्थ का ऑक्यूपाई करता है दैट इज सेडिमेंट्री रॉक्स ठीक है इस सेवन में आपके एटी टू होते हैं

चेंज होना दैट इज मेटामोफिज एक चेंज तो मैटामोफिक रॉक्स की फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन व्हाट आर मेटामोफिक रॉक्स तो मेटामोफिक रॉक्स होते हैं आपके दीज आर फॉर्म बाय सब्जेक्टिंग एनी रॉक टाइप सेडिमेंट्री रॉक

बने इग्नियस से अब ये जो मेटामॉर्फिक है ये सेडिमेंटरी और इग्नियस ये दोनों रॉक्स से बनेंगे कैसे जब ये सेडिमेंटरी रॉक्स इरोजन होगी इनकी वेदरिंग होगी ये बहुत एक्सट्रीम प्रेशर के अंडर एक्सट्रीम टेम्परेचर के अंदर जो कि आपका अर्थ पे पाया भी नहीं जाता एक्सट्रीम प्रेशर और टेंपरेचर के अंडर ये इनकी इन रॉक्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आएगा ठीक है केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ जाएगा जो कि फिर ये बन जाएंगे आपकी मेटामोफिक ठीक है जो कि चेंज इसका मतलब मेटामोफिजम का मतलब ही होता है चेंज इन फॉर्म कि उनकी फॉर्म ही बदल जाएगी जैसे फॉर एग्जांपल की स्लेट है ठीक है ये कैसे बनता है मर्ड स्टोन से सैंडस्टोन है ये आपका क्वार्टाइज uh, है ये आपका बनेगा सैंडस्टोन से ठीक है सैंडस्टोन एक सेडिमेंट्री रॉक है और वो बना देगा आपका क्वार्टाइज तो अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड टेम्परेचर दीज मेटामोफिक रॉक्स आर फॉर्म एंड फॉर्म योर क्या कहते हैं सेडिमेंट्री एंड एग्नियस रॉक्स ओके अब जो ओरिजिनल रॉक होता है आपका द ओरिजिनल मतलब जो भी आपका ओरिजिनल रॉक होता है जिससे ये मेटामोफिक रॉक्स बनते हैं उस रॉक को बोलते हैं आप प्रोलित ठीक है और यही प्रोलिथ रॉक ये ट्रांसफॉर्म होता है अदर मिनरल टाइप्स और अदर फॉर्म्स ऑफ सेम मिनरल बाय रिक्रिस्टलाइजेशन रिक्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से ये जो रॉक्स हैं ये अपने आप को चेंज कर लेते हैं अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं अब टेम्परेचर और प्रेशर जिसकी अंडर ये जो रॉक्स हैं ये बनते हैं ये अपनी स्टेट को अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज कर लेते हैं वो कितना आपको चाहिए होता है टेम्परेचर ग्रेटर देन 150 से 200 डिग्री सेल्सियस पे ये अपने आप को बदलते हैं ठीक है और प्रेशर चाहिए होता है 1500 फाइव जीरो जीरो बार्स तो आप समझ सकते हैं कि ये अंदर ही बनते होंगे धरती के ऑब्वियसली बात है बाहर तो क्रस्ट पे ये बनते नहीं है एंड मेटोमोफिक रॉक्स जो हैं ये 27.4 परसेंट अर्थ क्रस्ट को अर्थ क्रस्ट पर वॉल्यूम ये होते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं आप यहां से हम देखते हैं कि मेटामोफिक रॉक्स ये कुछ मेटामोफिक रॉक्स हैं आपके मार्बल बोलते हैं इसको स्लेट क्वार्टाइज ये हैं आपके मेटामोफिक रॉक्स और ये किस किस चीज से बने हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है आपका ठीक है मैं आपको फिर रिपीट करूंगी जो भी इस वीडियो को देख रहा है यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है आर मेटामोफिक रॉक्स तो क्वार्टाइज

चौक और लाइमस्टोन से आपका बन गया मार्बल मार्बल क्या आपको भी पता है ठीक है मार्बल फ्लोरिंग होती है आपकी दूसरी चीज ग्रेनाइट फ्लोरिंग भी होती है आपकी शेल से आपका बनता है शिस्ट ग्रेनाइट से आपका बनाता शेल और मड से आपका बनता है स्लेट सैंडस्टोन से आपका क्वार्टाइज भी बनता है ठीक है तो आई होप ये आपको लर्न हो गया होगा आगे चलते हैं हम चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स uh, अर्थक्वेक के बारे में अर्थक्वेक होता क्या है जब भी आप बैठे होते हैं आपकी धरती हिलने लग जाती है आपने देखा होगा बैठे बैठे आपको एकदम शिवरिंग सी फील होती है ट्रेमर्स फील होता है लग जाता, लाइट लाइट आपकी हिलती है आपको पता है क्या होता है क्या बोलते हो आप अर्थक्वेक आ गया तो इस अर्थक्वेक को बोलते क्या है डेफिनेशन क्या है ट्रेमर्स वाइब्रेशन दैट इज कॉज बाय अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक ठीक है जो वाइब्रेशन और ट्रेमर्स आप फील करते हो कॉज बाय अर्थ उसी को आप बोलते हो अर्थक्वेक अब यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक को क्या बोला जाता है उसको बोला जाता है आपका सिस्मिक फोकस ठीक है जहां से आपका अर्थक्वेक जो है ओरिजिनेट होता है उस पॉइंट से हम बोलते हैं सिस्मिक फोकस डेप्थ कितनी होती है इस सिस्मिक फोकस की कहा कितनी डेप्थ पे अर्थक्वेक आता है कहा से जनरेट होता है कितनी डेप्थ से फिफ्टी टू हंड्रेड किलोमीटर डीप इनसाइड दी अर्थ से ठीक है यहां से आपका अर्थक्वेक जो है पॉइंट ऑफ ओरिजन होता है

ये इसके लिए हम यूज करते हैं इसके लिए हम यूज करते हैं मॉडिफाइड मर्सैली इंटेंसिटी स्केल ठीक है टेलिंग देख लीजिए मॉडिफाइड मर्सैली एम ई आर सी ए डबल एल आई रिचटर स्केल okay. अब ये जो डैमेज कॉज होता है इसकी इंटेंसिटी से उसको तो हम इससे नापते हैं और अगर आपका ये हो अर्थक्वेक की को उसको अर्थक्वेक uh, की जो मैग्नीट्यूड है वो आप नापेंगे स्केल से ओके आई होप आपको अर्थक्वेक का फंडा पता होगा देखिए ये आपकी अर्थ है पचास से सौ किलोमीटर डीप यहां पर आपकी देखिए यहाँ पर प्लेट्स हैं आपकी हिलने लगी यहां से वाइब्रेशन इधर पहुंची इधर पहुंची इधर पहुंची ठीक है इस तरीके से जो है आपकी वाइब्रेशन ऊपर 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 पहुंचती रहती है और टिल जब आप सरफेस पे फिर इसको काफी टाइम बाद महसूस करते हो ठीक है एकदम से आपको वाइब्रेशन नहीं महसूस हो जाती यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को जिस पॉइंट से जनरेट होता है इसको तो बोलते हो आप सेस्मिक फोकस ठीक है एक और पॉइंट है आपका जिस पॉइंट पे अब ये इसी का पैरेलल जो पॉइंट चलता है ना इसी के एम सॉरी परपेंडिकुलर पॉइंट जो अर्थ सरफेस पे होता है इसको आप बोलते हैं एपिसेंटर, ठीक है सबसे पहली बार जहां झटके महसूस किए गए उसे बोलते हैं एफ सेंटर मतलब देखिए यहां पर आपका जनरेट हुआ इसको बोला सेस्मिक फोकस यहां से आपका ट्रेमर्स हुए हुए हुए, हुए यहां से वेव्स पास करी 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 और वाइब्रेशन फिर आपकी ऊपर पहुंची और इसी पर पेंडिकुलर पॉइंट को आप एफ सेंटर बोलते हो ठीक है सेस्मिक फोकस को आप नहीं बोलते एफ सेंटर होता है अर्थ के ऊपर ओके द पॉइंट ऑन दी अर्थ सर्फेस वर्टिकली अब सर्फेस ये होता है आपका एपी सेंटर आई होप सारे क्वेश्चंस जो थे इसमें मैंने ले लिया, आगे देखते हैं क्या है। अर्थक्वेक के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया लेकिन अर्थक्वेक का आपको ये भी पता है कि वेव के थ्रू आपका जो है वो ट्रेवल करता है ना ये थोड़ी है कि यहाँ पर आपका एक अर्थक्वेक जनरेट जनरेट हुआ फोकस पे अब जो वेव चलेंगी वहीं से तो आपके ऊपर तक जो है आपका अर्थक् आपको फील होगा इन्हीं वेव्स में तो चलता है ऊपर आपको फील होता है यहाँ पर ठीक है ये आपका सेंटर हुआ और फिर यहाँ से सरफेस पे आएंगी वेव्स और यहां से आप फील करोगे अर्थक् अब क्या होता है कि हमारे पास तीन टाइप की वेव्स होती हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं दैट इज पी वेव एस वेव एंड एल वेव पी एस और एल पी स्टैंड फॉर प्राइमरी ठीक है प्राइमरी

तबाही मचाने वाली कौन सी है वो कौन सी होती है आपकी सरफेस वेव्स जिसको आप बोलते हैं लॉन्ग वेव्स ऑब्बियसली बात है जो आपकी वेव्स होती है ये नीचे वेव्स कितनी भी वो करती रहे आपको तो फर्क नहीं पड़ रहा है ना अगर वेव्स यहाँ पर भी ट्रेवल करती हैं तो भी आपको फर्क नहीं पड़ता आपको पता है कोर पे तो वेव्स आती नहीं है तो जो आपकी सरफेस पे वेव आती हैं मतलब जहां आप रहते हो आपका घर है जो ये वेव्स होती हैं आपकी सरफेस वाली ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है प्रोड्यूस करती है क्योंकि जब ये वेव ज्यादा होंगे तो आपका घर हिलेगा हर चीज हिलेगी है ना और इसकी वजह से जो घर भी गिर जाएंगे और बहुत सारा नुकसान होगा आपकी प्रॉपर्टी वगैरह को तो सबसे गंदी होती है सर्फेस वेव दूसरी आपसे पूछा जा सकता है कि जो प्राइमरी वेव्स हैं वो सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कौन सी वेव चलती हैं, तो वो होती हैं आपकी प्राइमरी वेव्स। द फास्टेस्ट वेव्स अगर आपसे पूछा जाए तो दैट दैट इज प्राइमरी वेव अब ये पूछा जा सकता है आपसे विच वेव्स ट्रेवल्स थ्रू सॉलिड ओनली ये होती है आपकी सेकेंडरी वेव जो सेकेंडरी वेव्स होती है ये बस सॉलिड में ट्रेवल कर सकते हैं लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती ठीक है नॉट पास थ्रू कोर जो सेकेंडरी वेव है कोर में पास नहीं करती क्योंकि ये सिर्फ सॉलिड में जाती है तो कोर में ये नहीं जाती सेकेंडरी वेव्स ठीक है सरफेस को आपको पता है कि ये जो सरफेस वेव्स होती हैं, ये डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा मचाती हैं और ये वेव्स कब कर रिकॉर्ड करी जाती हैं पी और एस के बाद प, पता है सबसे पहले प्राइमरी जनरेट होंगी फिर सेकेंडरी और उसके बाद जाके लॉन्ग वेव्स या सरफेस वेव्स आएंगे है ना पहले नीचे प्राइमरी जनरेट हुई फिर सेकेंडरी देन ऊपर आएगी सरफेस uh, वेव बाकी सरफेस सर्फेस के बारे में और क्या हम डिस्कस कर सकते हैं जो ये वेव्स हैं दीज आर ट्रांसमिटेड टू सॉलिड्स लिक्विड्स एंड गैसेस सबसे ज्यादा ये जो है प्राइमरी वेव्स अच्छे बहुत ही इनकी स्पीड जो है फास्ट होती है ट्रेवल्स फास्टेस्ट बाकी आपको पता ही है ये अपने प्लेस से डिस्प्लेसमेंट और सराउंडिंग पार्टिकल्स की वजह से आगे 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 बढ़ती रहती हैं ओके okay. अब चलते हैं हम अर्थक्वेक हो गया कुछ वॉल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं वॉलकैनो जैसे कि आपको पता है मैंने पहले भी आपको अभी डिस्कस करके बताया था कि होता क्या है इस तरीके की फॉर्मेशन होती है यहां से आपका मोल्टन मैग्मा निकलता है ये आपका इरप्ट हुआ वॉलकैनो और यहाँ पर मैग्मा आपका आ गया इसको मोल्टन फॉर्म को बोलते हैं मैग्मा इस ओपनिंग को बोलते हैं क्रेटर और इस पूरे इसको बोलते हैं आप वॉलकैनो ठीक है कई जगह पे ये डेफिनेशन दी हुई है कि द ओपनिंग और वेंट इज यूजुअली नोन नोन एज एज दैट दैट इज इज सर्कुलर ठीक है फॉर्म आपका पूरा होता है सर्कुलर फॉर्म को क्रेटर बोलते हैं तो आई होप क्रेटर वॉल्नो में आपको फर्क पता चल गया होगा तो so, अब जो ये हीटेड मटेरियल होता है जो बाहर निकलता है इसमें से क्या क्या निकलता है गैसेस निकलती हैं वाटर वेपर्स निकलते हैं लिक्विड लावा निकलता है और फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स जो है बाहर निकलते हैं ठीक है बहुत तेजी के साथ बाहर निकलते हैं बहुत ही हीटेड इंटेंसिटी के साथ और ये आ जाते हैं सरफेस ऑफ अर्थ पे अब देखिए ये तो आपका आ गया आपने कभी देखा होगा डिस्कवरी चैनल पे भी तो आपने देखा होगा वाटर वेपर गैसेस निकलते हैं बहुत ज्यादा हाई ठीक है वाटर वेपर्स निकलते हैं फिर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं इसमें और बाकी जितने भी मेटीरियल्स हैं बाकी ये सब निकलता है ठीक है अब वॉल होते हैं आपके तीन टाइप के एक एक्टिव एक डोरमेंट एक एक्सटेंट तो यहाँ से आपके क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं ये आपका हो सकता है कि जो कि टाइम टू टाइम फटते रहते हैं इरप्ट करते रहते हैं अब इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं देखिए एक एटना है एटना वॉलकैनो इन सिसिली ये है आपका एक्टिव ठीक है अगर आपसे पूछा जाए दूसरा है आपका स्ट्रोम्बोली एस टी आर ओ एम बी ओ एल आई स्ट्रोम्बोली इन सी फिर है आपका माउना लाओ एम ए ओ एन ए माउना एल ओ ए इन हवाई में हवाई में ये तीन आपके जो है एक्टिव बॉलोज हैं ठीक है अब बात आती है आपकी एक्सटिंट वॉलकैनोज के ऊपर एक्सटिट वॉलकैनोज वो वॉलकैनोज होते हैं जो हिस्ट्री में हमने क्या देखा अभी तक होल हिस्ट्री में हमने ये देखा नहीं हुए ठीक है तो हम इसको वॉलकैनोज क्यों बोलते हैं बट इनके इनमें कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो वॉलकैनोज के हैं ठीक है थेके? जो इरप्ट नहीं हुए हैं पर कुछ फीचर्स वॉल के हमें इसमें दिखते हैं इसी फॉर्म में है ये लेकिन इरप्शन नहीं हुआ है अब तक इनका लेकिन फीचर्स कुछ कुछ हम देखते हैं इसके वॉल के हैं अब ये होते हैं आपके एक्सटेंट वॉल अब एक्सटेंट वॉल आपसे पूछा जा सकता है तो ये है आपका एक तो पोपा इन म्यांमार सेकेंड है आपका डी ओ वी डी ईओ बी एंड डीओ वन ये कहाँ पर है ईरान में ये दो है आपके जो एक्सटेंट वॉल हैं ठीक है

एक्टिव होते हैं जो टाइम टू टाइम फटते रहते हैं और डॉर्मेंट वो बहुत लॉन्ग टाइम से नहीं फटे हैं। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि आगे कमिंग फ्यूचर में ये फट सकते हैं तो इनको डॉर्मेंट बोलते हैं और डॉर्मेंट के एग्जाम्पल है आपके फुजियामा जापान में ठीक है बाकी आपका कराकाटोरा कराकाटोरा है आपका इंडोनेशिया में बैरन आइलैंड वॉल है अंडमानस में ठीक है ये है आपके वोल्केनोस तीन टाइप्स जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में आगे चलते हैं थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं वोल्केनोस के बारे में देखिए जो आपके वोल्केनो की डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से है जो तो 68% जो आपके वोल्केनोस है ना 68% वोल्केनोस ये हैं आपके कौन से रीजन में दीज आर क्या कहते हैं यूजली फाउंड इन द पैसिफिक ओशन रीजन जो एक बेल्ट है पैसिफिक ओशन के अलोंग एक बेल्ट है बेल्ट अलोंग पैसिफिक ओशियन पैसिफिक ओशियन ठीक है ये वॉलकैनोज की बेल्ट है पैसिफिक ओशन के अलोंग तो यहां पर 68 परसेंट आपको वॉलकैनोज मिलेंगे और इस, इसी बेल्ट को हम क्या बोलते हैं रिंग ऑफ फायर पूछा जा सकता है रिंग ऑफ फायर कहाँ पर होती है तो ये होती है आपकी पैसिफिक क्वेश्चन में है? बाकी सिक्सटी एट परसेंट तो यहाँ पर हो गया और बाकी के 21 ट्वेंटी कहाँ होते हैं आपके अब ट्वेंटी आपके होते हैं मेडिटेरेनियन सी ठीक है हिमालयस कैस्पियन सी मिडल एशिया मिडल एशिया से हिमालयस और कैस्पियन सी जो है सी से होते हुए टुवर्ड्स वेस्ट इंडीज ठीक है एक्सपीरियंस ट्वेंटी ऑफ अर्थ और ये मैं अर्थक्वेक के बारे में आपको बता रही हूं अटलांटिक है आपका एटलांटिक रेज ये अकाउंट करती है इलेवन परसेंट ऑफ ऑर्कुक्स ठीक है volcanoes के बारे में हम बात कर रहे थे जो फिफ्टीन परसेंट वर्ल्ड के एक्टिव हैं ठीक है वर्ल्ड के एक्टिव वॉलैनोज ये आपके कहां पर मिलते हैं आपको ये दीज आर फाउंड अलोंग कंस्ट्रक्टिव या फिर डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन में ठीक है कंस्ट्रक्टिव या फिर डाइवर्जेंट प्लेट मार्जिन पे आपको मिलते हैं ओके okay. ये हमने देख लिया यहाँ पर 15% परसेंट होते हैं बाकी के जो 80% परसेंट होते हैं ना ये तो 50% परसेंट बाकी जो 80% परसेंट होते हैं 80% परसेंट वो एसोसिएट किससे होते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव या फिर कन्वर्जेंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज ठीक है इस तरीके से अब जो सर्कम पैसिफिक बेल्ट है आपकी या फिर रिंग ऑफ फायर जो हमने यहाँ डिस्कस किया था जहां पर आपके 68% परसेंट ऑफ अर्थक्वेक्स होते हैं ऑल्कैनोज होते हैं तो ये जो बेल्ट है आपकी इसको क्या बोला जाएगा सर्कम पैसिफिक बेल्ट या फिर रिंग ऑफ फायर अब ये कहां कहा एक्सटेंड कहां से कहां तक करती है देखिए इट एक्सटेंड्स अक्रॉस ये एक्सटेंड करती है आपका कम छटका पेनिनसुला काम छटका पेनिनसुला ठीक है कुरली कुरिल आइलैंड्स देन द आइलैंड्स ऑफ जापान आइलैंड्स ऑफ जापान

अब मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट जो है आपकी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है आपकी वन ऑफ एल्पाइन माउंटेन रेंज ठीक है मेडिटेरेनियन सी द फॉल्ट जोन ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका दैट इज फॉल्ट जोन ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका कहाँ कहाँ होता है ये आपसे पूछा जा सकता है द फॉल्ट जोन ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका इज एग्जाम्पल है इसके स्ट्रॉम्बली वेसुवियस एटना एंड किले ओके बाकी हमने कौन कौन सी बेल्ट आपकी डिस्कस कर ली है एक तो मिड कॉन्टिनेंट सरकम पैसिफिक अब बात करते हैं मिड अटलांटिक बेल्ट की इन विच वहाँ पर फिशर इरप्शन टाइप्स ऑफ के होते हैं जो कि जैसे आइसलैंड है कैनरी कैनरी है Canary के है केप बर्डे है एजोर्स होते हैं तो यहाँ पर आपके इस टाइप के वॉलैनिकपश होते हैं फिशर टाइप चलिए आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आप प्लीज अगर आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए पसंद आई हो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को शेयर कीजिए एंड बाकी टेक केयर स्टे 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 हेल्दी वीडियो को जरूर देखिएगा आपने अगर ये वीडियो ही कर ली सिर्फ आपको आप चाहे 1.5 की स्पीड पे चला के देखिए यही आपके लिए बहुत है कोई बुक पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन है आपको इस वीडियो में आपको सारे कवर्ड मिलेंगे ठीक है मैक्सिमम क्या सारे ही क्वेश्चन आपको कवर्ड मिलेंगे चलो टेक केयर गुड लक